गुरु के प्रति आदर सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। गुरु तो परम ब्रह्मा के समान होते हैं, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। हिंदू धर्म में गुरु की बहुत महत्ता बताई गई है। गुरु का स्थान समाज में सर्वोपरि माना जाता है। गुरु उस चमकते हुए चंद्र के समान होता है जो अंधेरे में रोशनी देकर पथ प्रदर्शन करता है। गुरु के समान अन्य कोई नहीं होता है, क्योंकि गुरु भगवान तक जाने का मार्ग हमें बताते हैं। कबीर ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का दिन बेहद खास होता है। गुरु पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु की आराधना का दिन होता है। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे यह कारण है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ। वेदव्यास को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों और महाभारत की रचना की। हिंदू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास जी का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और मुड़िया पूनो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जिसे लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। यह संधिकाल होता है, क्योंकि इस समय के बाद से बरसात में तेजी आने लगती है। पुरातन काल में ऋषि साधु संत एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। चौमासा या बरसात के समय वे 4 महीने के लिए किसी एक स्थान पर रुक जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा से 4 महीने तक के रुकते थे। यही कारण है कि इन्हीं 4 महीनों में प्रमुख व्रत और त्योहार भी आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग वेदव्यास जी की भक्ति भाव से आराधना करते हैं और अपने मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। इस दिन हलवा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बंगाल के साधु इस दिन सिर मुंडवाकर परिक्रमा पर जाते हैं। वहीं ब्रज क्षेत्र में इस पर्व को मुड़िया पूनो के नाम से भी जाना जाता है और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कोई इस दिन ब्रह्मा की पूजा करता है तो कोई अपने दीक्षा गुरु की। इस दिन लोग गुरु को साक्षात भगवान मानकर उनका पूजन करते हैं। इस दिन मंदिरों, आश्रमों और गुरु की समाधियों पर धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। भारत में पूर्व से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी स्थानों पर गुरुमय वातावरण हो जाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में धूनी वाले बाबा की समाधि पर यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है, यह सवाल काफी लोगों के मन में है। आपको बता दें, आषाढ़ की पूर्णिमा को यह पर्व मनाने का उद्देश्य है कि जब तेज बरसात के समय काले बादल छा जाते हैं और अंधेरा हो जाता है, तब गुरु उस चंद्र के समान है जो कि काले बादलों के बीच से धरती को प्रकाशमान करते हैं। गुरु शब्द का ही अर्थ यह होता है कि तम का अंत करना, यानी कि अंधेरे को खत्म करना।